and with this, we come to the end of uh, end session of this conference, but a very important session. so since morning, what we have tried to do is that to try to touch up based upon various aspects of urban development, be it urban water management, be it urban energy management, be it urban mobility. Uh, this session will be focusing on how new age technologies can help in the effective water management ecosystem for that. we have with special guest with us. May I request Mr. A. K. Gupta, Additional Director, Regional Center for Urban and Environmental Studies, Lucknow. A huge round of applause for him. May I invite Mr. Mahesh Gautam, Superintendent Engineer, Jal Nigam, Uttar Pradesh. Yes, huge round of applause for him. So we have an expert, we have one from the government, so let's have perspective from two industry as well let me invite Amritangshu kumar from schneider electric and mr amit tyagi the vice president from phoenix contact india private limited as well is Amritangshu and uh, amit is here Amritangshu, uh, uh, let let them join uh, uh, i know we are standing between us and lunch so let us be very quick. Uh, let us uh, try to finish this session in the next 15 to 20 minutes. So, uh, uh, let me have a perspective from Mr. A.K. Gupta, who is the Additional uh, Director of Regional Center for Urban and Environmental Studies, Lucknow. Can we have the hand mic, please, on stage? Uh, Mr. Gupta, uh, what is your take uh, when we say about that? Uh, how newest technology or emerging technologies can be leveraged efficiently uh, for uh, urban water management? Your take on that, sir. Okay. I think uh, Mr. Amit Taghi has joined, Vice President Phonic, uh, Phoenix Contact India Limited. And um, if uh, my colleague can help to get Amritangshri as well on stage. Over to you, Mr. Gupta. First of all, बल थ्रू न्यूज जो मैं समझता हूँ कि आज के परिवेश में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यों है मैं आपको बताता हूँ जैसे अभी हम लोगों ने कनेक्टिविटी के बारे में अनिल श्रृंगारिया मेरे क्लासमेट भी रहे हैं जो है और त्यागी जी हैं जिन्होंने मोबिलिटी के बारे में बताया तो मैं जो अर्बन अर्बन है अर्वन को नगर के टर्म्स में यदि हम डिक्टेट करें तो ना से मीनस से है आपके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नल होना चाहिए हर घर में जो है और ड्रिंकिंग वाटर है तो वेस्ट वाटर भी है तो गटर होना चाहिए आपके पास और राह है तो रोड मोबिलिटी से होना चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पर्पज से होना चाहिए तो आप देखिए सारी थीम इन्हीं अर्बन में इन्हीं तीन बिंदुओं पर घूमती है और यदि ये हमने सस्टेनेबल नहीं बनाया तो नेचुरली जो हमारे नगर का स्थायित्व है सिटीजन्स को जो सर्विस देनी है वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अब प्रश्न आता है कि टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है जैसे दी आप ओवरऑल यदि आप देखेंगे आ, जो भारत सरकार का स्टेट गवर्नमेंट का और एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है कि हर व्यक्ति को हर घर को शुद्ध पेयजल मिले शुद्ध पेयजल मिले तो यदि आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा अमृत 1.0 और अमृत 2.0 जिसका मेन फोकस ये है कि लास्ट व्यक्ति तक नल के माध्यम से पानी की उपलब्धता हो जाए अब इसी तरह से आप दूसरा देखेंगे जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन का भी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को नल मिलेगा अब आप ओवरऑल यदि आप देखेंगे यदि आप जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो जब 15 अगस्त 2019 को योजना लॉन्च हुई थी अब मैं बताता हूं टेक्नोलॉजी क्यों रिक्वायर्ड है पूरे देश का कवरेज 16 परसेंट सोलह परसेंट का मतलब है कि लगभग यदि पूरे देश में हमको पंद्रह पॉइंट नाइन नाइन करोड़ सोलह करोड़ के करीब कनेक्शन कर और यदि आप पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की बात करें क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो आप भी विश्वास नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 2019 को पूरे ग्रामीण क्षेत्र में छह लाख कनेक्शन थे तो आप मैनेज कर सकते हो लेकिन यदि आपको यदि आप अर्बन और रूरल दोनों जगह हमें पानी की व्यवस्था करनी है यदि अर्बन की बात करते हैं तो लगभग एक करोड़ हाउस होल्ड हमारी सेवन हंड्रेड एक करोड़ की पॉपुलेशन सेवन सिक्सटी अर्बन लोकल बॉडीज में है और लगभग तीन करोड़ की जो हाउस होल्ड है वो हमारे रूरल और जब योजना प्रारंभ हुई तो केवल पांच लाख कनेक्शन और यदि मेरे को यह तीन करोड़ तक लेना है तो डेटा आपको रियल टाइम चाहिए और रियल टाइम चाहिए तीन करोड़ का डेटा तो टेक्नोलॉजी का यूज इज एसेंशियल फॉर अस अब सिमिलरली एसेंरवन में सर जलनिगम ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है तो आप देखेंगे जो हमारा कवरेज था वो फिफ्टी परसेंट था अब इसको भी हमें हंड्रेड परसेंट की तरफ ले जाना है तो नंबर ऑफ कनेक्शन हमारे नेचुरली इंक्रीज होंगे और इंक्रीज होंगे तो एक करोड़ हाउस होल्ड की कनेक्शन है हमारे तो एक करोड़ का डेटा आप तभी रख सकते हो जब आप रियल टाइम पर टेक्नोलॉजी अब इसके जो तीन प्रिंसिपल है पानी के जिसे हम थ्री आर प्रिंसिपल कहते हैं पानी का रिड्यूस हम कैसे यूज रिड्यूस करें? करें जैसे हम अभी हमेशा कैलकुलेशन करते हैं कि यदि सीवरेज का टाउन है 150 फिफ्टी नॉन सीवरेज का है तो 135 थर्टी फाइव के अनुसार हम रिक्वायरमेंट निकालते हैं पानी की अब यदि सर ने कहा कि 24 फोर बाई सेवन ट्वेंटी फोर बाई सेवन इज द वन ऑफ द कंसेप्ट जिसके माध्यम से जो पर कैपिटा डिमांड है दे आर लॉट ऑफ स्टडीज आर अवेलेबल जो हम 150 फिफ्टी से स्वतः ही घट के हंड्रेड एलपीसीडी हो जाता है तो आपने ट्वेंटी बाई सेवन करके यू हैव रिड्यूस द जो क्वांटम ऑफ वाटर आपने रिड्यूस कर दिया सिमिलरली यदि आप देखें जैसे आप टेक्नोलॉजी का जहां उपयोग आना है आपको आज यदि हम कई स्टडी यदि अमृत 1.0 में 2.0 में और जो हमारे अर्बन एरिया में वाटर कनेक्शन है अब वाटर कनेक्शन का कोई डिजिटाइज व्यवस्था नहीं प्रॉपर्टी टैक्स में कॉरपोरेशन में अभी शुरू हुई है लेकिन जब तक हम मैपिंग नहीं करेंगे अप टू दाउस होल्ड लेवल वॉल्यूमेट्रिक पानी का व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमें एक रिड्यूस करने का एक ये साधन भी है जहां पर दे दीजिए रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको जीआईएस बेस्ड हमारी पूरा जीपीएस बेस्ड सारी की सारी जो डिजाइन है यदि हम क्योंकि हमारे पास रियल डेटा ना होने की वजह से जो प्लानिंग में भी धीरे धीरे फॉल्ट फिर आप कहते हैं रिसाइकिल जब आपने वेस्ट वाटर क्रिएट कर दिया तो उसको रिसाइकिल रिसाइकिल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं या आपको बायो पर जाना है फाइटो पर जाना है इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और फिर इसका ओवरऑल यदि आप देखेंगे यदि 150 फिफ्टी एलपीसीडी में 120 ट्वेंटी एलपीसीडी यदि आपका वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके कितना रीयूज कर सकते तो यहां पर भी आपको रीयूज केवल ड्रिंकिंग वाटर में आपको हाईएस्ट क्वालिटी का वाटर चाहिए लेकिन अदर एक्टिविटीज आपकी ऐसी जहां पर उस क्वालिटी का वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड लेकिन हम लोग चाहे टॉयलेट के फ्लस में चाहे ड्रिंकिंग वाटर में व्हाट वी आर डूइंग हम सेम पानी का उपयोग कर रहे हैं जो कि रीयूज के, के माध्यम से जो हमारे ग्राउंड वाटर पर जो स्ट्रेस आ रहा है दैट कैन बी रिड्यूस्ड सिमिलरली यदि आप देखें जो जैसे क्वालिटी ऑफ वाटर यदि हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपलिटीज यदि यह कह सकें कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो एक चैलेंजिंग विषय है जहां पर यदि हम ये फोरकास्ट कर सकें कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर म्यूनिसिपलिटी का है वो इस पानी से अच्छा है। और ये जब कब कर सकते हैं जब हम प्रॉपरली इसको रेगुल रेगुले मैकेनिज्म को रेगुलेट करें मॉनिटरिंग करें और क्वालिटी ऑफ वाटर को हम पब्लिसाइज़ करें जिससे कि लोग हमारे लोग जान सकें कि जो नगर निगम का क्वालिटी ऑफ वाटर है बेटर देन आर वाटर अब देखिए आर वाटर आजकल जो जितने भी यहां पर लोग होंगे गरीब लोगों के तो नहीं होता लेकिन सामान्यतः यहां पर जितने भी लोग होंगे सभी के यहाँ घर पर आर वाटर होगा हम म्यूनिसपलिटी के पानी को डायरेक्टली नहीं पीते जबकि डायरेक्टली यदि हम पीना यदि क्वालिटी ऑफ वाटर एश्योर हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है पानी ड्रिंक टू जो टेप की बात हो रही है भुवनेश्वर में तो ऑटोमेटिकली आप आर वाटर को जब उपयोग करते हैं एक लीटर पानी आर का आप जब ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं तो सात लीटर पानी आप ड्रेन में बहा देते हैं। तो आप देखिए आपका ये सब क्या है ऑल आर द एनआरडब्ल्यू जो पानी हमने ड्रॉ किया बट आपने एक लीटर पानी उपयोग किया बाकी पानी आपने ड्रेन तो उससे क्या दो डिसएडवांटेज हुए हमको एक तो हमारी ग्राउंड वाटर पर स्ट्रेस बढ़ा दूसरा हमारा वेस्ट वाटर भी बढ़ा तो उधर हमारी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ी और हमारी दूसरी वाटर ट्रीटमेंट की कॉस्ट और जो अभी एक स्नाइडर आपने जो प्रेजेंटेशन किया था तीन और चार परसेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो जब है जब हमारा सोलह परसेंट कवरेज था यदि ये हंड्रेड परसेंट जब कवरेज हो जाएगा हमारा जस्ट यू कैन सी के यदि स्ट्रेस कितना आएगा और यदि हमने सारी मैकेनिज्म को जो सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तीनों सस्टेनेबिलिटी में थ्री आर प्रिंसिपल्स को हमें हर जगह उपयोग करना होगा और इस पर भी फोकस करना होगा खाली हमें कैपेक्स पर ही फोकस नहीं करना आपको प्रीवेंटिव मेंटेनेंस के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं कहां पर वाटर ऑडिट मैकेनिज्म जो नहीं है अभी जो है वाटर ऑडिट मैकेनिज्म पर हमको फोकस करना होगा एनर्जी ऑडिट पर फोकस करना होगा और इन सब में टेक्नोलॉजीज राइट 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 तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म तभी हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं और सस्टेनेबल बना सकते हैं जब तक जो हमारा उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर है प्लस कैसे हम क्वांटम अर्थ से पानी कम लेने का प्रयास करें दूसरा उसको रिसाइकिल करें फिर रीयूज करें तो आपका उतना ही स्ट्रेस कम होगा और जितना स्ट्रेस कम होगा आप अपने सिस्टम को सस्टेनेबल बना सकते हैं अदरवाइज जो आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो तीन करोड़ कनेक्शन पांच लाख से तीन करोड़ होने और हम लोग 1.63 करोड़ पर पहुंच गए हैं और 68 जल निगम के जो अभियंता आए हैं उनको भी बधाई देता हूं कि जो 15 अगस्त 2019 को एक असंभव सा टारगेट लग रहा था कि पांच लाख से हम कैसे तीन करोड़ पर जाएंगे लेकिन अब लगता है कि हम 15 अगस्त 2024 तक लक्ष्य हमको प्राप्त हो सकता है लेकिन यदि हमें ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया ये और यदि हमने सस्टेनेबिलिटी फोकस नहीं किया तो अल्टीमेटली जो हमारा उद्देश्य है कि हर नागरिक को स्वच्छ और सुंदर पानी मिले वो फिर अधूरा रह जाएगा तो यहां पर आप सारी व्यवस्था में आप देखिए एन हो लीकेज डिटेक्शन की बात हो रही है यदि आप कई स्टडी आई एफ डन बनारस का आप के सौ लीटर पानी हम ड्रॉ करते हैं ग्राउंड से और पचास लीटर से ज्यादा पानी हम ड्रेन में बहा देते हैं दैट कैन बी यूज एन को हमें रिड्यूस वो कैसे होगा जब तक हम टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे लीक डिटेक्शन में आपको करने की जरूरत है जो हमारी पानी की पाइपलाइन है उनकी एजिस क्या है आपको जीपीएस के माध्यम से और फिर पूरा ओवरऑल We have to do के उसको प्रॉपर्टी टैक्स से कैसे लिंक किया जाए ई आर पी सोलूशन से कैसे लिंक किया जाए मोबिलिटी से कैसे लिंक किया जाए तो वी हैदरवाइज तो हम, हम जो नगर में बात करते हैं या चाहे ग्रामीण में बात करते हैं सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना मुश्किल होगा तो देर जो आज का टॉपिक है आई एप्रीसीट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कि इस टॉपिक के माध्यम से हमारे जल निगम की अभियंता भी जुड़े हुए हैं कि कैसे हम सिस्टम को सस्टेनेबल बनाएं सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको जो मैंने कहा थ्री आर प्रिंसिपल आपने यूज कर लिया हर चीज में तो ऑटोमेटिकली आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी अदरवाइज और हमको करना भी चाहिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जिससे कि हमारी ग्राउंड वाटर पर इन सब पर स्ट्रेस कम पड़े दिस इज दाई वर्जन थैंक यू Thank you, thank you, uh, Mr. Gupta, for sharing with us the practical practicality of uh, making that ecosystem sustainable uh, from uh, five lakh to uh, going to four crore, three plus one crore, four crore, and that can only happen if we have the data analysis, data monitoring system, also the three Rs you talked about. Uh, uh, but uh, taking cue from what Amitji said in the previous session. Especially for industry and what, uh, Gupta Ji is also saying that, uh, we have to find solutions for the local problem. If you take the example of UP, uh, Maharashtra or Karnataka, maybe the problem will be something else. I'll come to you, Amritangshu, because you are representing industry. So, and you, your presentation also talked about the, how your solutions are simplifying the IT-OT convergence in some cases. But if I tell you that, uh, Forget, forget about Schneider or forget about anything. Uh, where do you think that, as Gupta Ji also saying, that new technologies, this new technology, be it AI, IoT, can be the game changer uh, to address the problems mentioned by Mr. Gupta uh, so that we make that entire ecosystem more sustainable? Your thoughts on that? But five to seven minutes to you. Thank you. I really appreciate whatever Gupta ji has said. And this is something it starts from the home. Okay. I will go technology later on. First, something is how I can make my system more sustainable. Okay. So that is what we need to work and start from myself, not from the department, from the technology vendors, from something else. So as Sir said, we use RO. Okay. We all use even at my house. Also, I use Haro, so there is a there is a wastage of water. NRW, if I say uh, there are two components. One is the actual NRW, which is happening in the field, and that's what is the major NRW which we need to address because one part is the revenue, okay, and one part is the leakage. So, if we help addressing leakage, that is something we are de-stressing our complete ecosystem and that will lead to one step towards your sustainability because sir said and i also echo to that whatever is wastage you are pumping it again and you are making it more difficult for the complete cycle now coming to shobik your point in terms of the technology look technology change cannot happen overnight we need to first think what exactly we need to build as an ecosystem okay as a holistic view not today i will do this thing which will help me to address that thing and tomorrow somebody said new technology so i will do that thing i my pre investment will go wrong so it is the holistic view of the things how my pyramid is going to look like if as a department as a jal as a government if we aim that in five years' time, I need to do these five parameters. Now my base should go up and up. It is not something I invest X value of amount today, and then I will go into the technology to reinvest that X value again. So that means it's a loss in the technology. AI plays very important role when it comes to water management. So there are two part of the technology. I will divide into complete system into two parts. One is the plant, where we talk of basic automation, where we talk of intelligence in the system, where we talk of energy efficiency. Sir rightly pointed out one point that we talk only on the capex side. OPEX is more important than the capex side because whatever investment you are going to do is going to run not for one year, it is going to run for 30 years, 40 years down the line. So if I choose a technology, which is more relevant for that application which is more sustainable for that application that will help me during the operation and maintenance period earlier we used to operate and maintain and today also we used to do reactive operation and maintenance something fails we get to know we change it ai intelligence will bring that information as part of predictive maintenance where we get to know how my equipment is going to behave after 6 months that is what if i get to know i can take the corrective actions during the 6 months it is not 6 hours it is 6 months so we need to find out what are the critical assets in my plant what are the critical areas where i can build that intelligence into the system and make it as a rule in kind of a thing like uh, cpcb has started a nomenclature that what is the discharge you are doing it from your plant why this is important this is something important because whatever waste we are doing it is going towards the river again we are de stressing it after 100 kilometers this is again going back to some some city as a raw water so all these things now coming to another part of the technology which is on to the network management because uh, Amit sir has said 24 by 7 is the key for uh, moving forward for the 1 trillion kind of an economy. And there are a lot of initiatives across the country which is going on. India is getting into that phase. We need to admit that we are not there where we have the pressurized network. We have the intermittent water supply. Uh, Ashok sir has said in the morning that Hyderabad, three days, one time the water came. Okay. I was there in Karnataka, one city, where once in a week water came and only three hours so practically speaking how can a person store within three hours water for a seven days it's impractical so we are talking of things so we need to start step by step network management bringing the technology bringing so there are two parts of the technology on the network which is towards the intelligence in the system and towards addressing the nrw when we say NRW, it's a very vague, it's a very broad word because it's talk of water loss at your home, it talks of water loss with the finance, it talks of water loss at the network. Okay. But if I address this network part, it will help me to improve at least 25% of my NRW because that is where we are not sensitized for our natural resources we feel that water is for us it's our birthright yes it's our birthright but it's scarce we need to be sensitized enough whether it is leaking inside the system or leaking at our house intelligence will help us in addressing those kind of challenges it will bring the real-time information system at a command center, it will help us. It will help department to take the corrective action in a way that all these challenges can be mitigated slowly and gradually. Sirs also said that if you need to do NRW, if you need to do 24 by 7, what is the help of my pipe? What is the level of chlorination inside the pipe? So all these. AI based symbols, all these AI technologies will help basically uh, because we are in the brownfield kind of an infrastructure. We have cities where we have water supply already there, but we need to make it more relevant, more sustainable, so that I'm not going to change everything inside my city which is not feasible. So I need to bring an AI into the system which will help to understand what is the health of my pipe how my pipe health is depleting because we don't have pressurized network we have air inside the pipe so all these things will actually ai will help in terms of addressing those points i hope i am clear on those things right 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 thanks thanks amitangshu let's have a perspective from uh, jhalnigam uttar pradesh uh, mr uh, mahesh gautam who is a super engineering engineer uh, mahesh ji your thoughts on uh, what kind of uh, Collaboration or solutions? You're looking from Jhelum's perspective, as Amiji has also said in the earlier session, that there are still are some problems, and you're looking for those kind of solutions, especially from industry. Whether those kind of customized solutions are there in the industry, uh, it can be a big company, it can be a startup also. But what are the areas where you think that you need a helping hand in terms of technology? First of all, thank you for giving me an opportunity. जितना सुबह से डिस्कस हुआ है और सर ने भी डिस्कस किया वाटर सप्लाई सिस्टम में एनआरडब्ल्यू की जो बात हुई और उसके साथ टेक्नोलॉजी का जो कोलबोरेशन की बात हो रही है तो इसमें मैं दो तीन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप जैसे हम बहुत सारे कंट्री में बात करते हैं पूरी की बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं इन सब की बात करते हैं वो लगभग पिछले 20 सालों से ये सब प्रयास कर रहे हैं और कोई भी एन सिर्फ टेक्नोलॉजी को आ, हम एडॉप्ट करने से कर लेंगे ऐसा नहीं हो सकता टेक्नोलॉजी हमें इंफॉर्मेशन देती है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें और भी सेक्टर्स में काम करना पड़ेगा पब्लिक अवेयरनेस पे जाना पड़ेगा हमें वॉल्यूमेट्रिक बिलिंग पे जाना पड़ेगा पब्लिक को ये कहना पड़ेगा कि भाई आप जितना पानी खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा बिल आपके आएगा आज पब्लिक को मालूम है कि सौ रुपए देने पूरे महीने में कितना भी खर्च आप खूब मीटर लगा दीजिए उसकी हैबिट्स में चेंज नहीं तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म हैबिट्स पब्लिक की हैबिट्स को भी बदलना पड़ेगा तो टेक्नोलॉजी हमें हमारी काम को आसान करती है हमें हमारे इंफॉर्मेश हमें इतनी आसानी से दे देती है हमें हमारे फील्ड में कहीं लीकेज हो गया हमें तुरंत से मॉनिटर हो गया कि हमने काम हमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है कहाँ पानी ज़्यादा देना है कहाँ डिमांड ज़्यादा है मैंने मैं गया था दिल्ली में प्रीतमपुरा वहाँ एल एल वालों ने ट्वेंटी फोर किया तो वहाँ हम देख उनको कम से कम चार साल लगे उस उस एरिया को 24 फोर बाई सेवन करने के लिए और वहां उन्होंने ये बताया जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि वहां पे उनकी जो पर कैपिटा डिमांड है वो एप्रोक्स 90 एल है यस 90 एल तो मैं ये बात मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है और बिना टेक्नोलॉजी के हम 24 फोर बाई सेवन की कल्पना नहीं कर सकते वो हो नहीं सकता क्यों कितनी जगह कितनी मैन पावर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है एक बात मैं यहां सब कहना चाहूंगा सभी से कि टेक्नोलॉजी शुड बी टेक्नो इकोनॉमिकल ऑल्सो कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी कॉस्टलियर ना हो कि वो हम एडॉप्ट करने में भी सोचें कि भाई ये तो यार हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं उसकी कॉस्ट का 25 परसेंट तो टेक्नोलॉजी पे जा रहा है तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी हम गवर्नमेंट जब किसी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करती है तो वो ये भी देखती है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या कहती है आप किसी भी ट्वेंटी फोर बाई हम करने जाएंगे और आपकी टेक्नोलॉजी हम एडॉप्ट करेंगे बात ठीक है बिना उसके 24 नहीं हो सकता लेकिन इट शुड टेक्नो इकोनॉमिकल तो ये बात सही है एक एक बात और मैं अब आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा कि मैं आगरा के बारे में आपको हाईलाइट करना चाहूंगा सर भी हमारे आगरा से हैं तो मैं आगरा के बारे में यह आपको बताना चाहूंगा कि आगरा यमुना बैंक रिवर बैंक पे है यमुना नदी के किनारे और यमुना नदी में जो पानी आता है वो प्योर वेस्ट वाटर है सीवर और इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट तो वहां पे आगरा में 1996 में कॉन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना या उससे पहले सीवेज प्लांट थे तो हुआ क्या कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता गया वहां पे कॉन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट जो बने हुए थे उनके ट्रीटेड वाटर को अप टू द अप टू मार्क अप टू द क्वालिटी उसको uh, पीने लायक बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्लोरिनेशन करना पड़ा बहुत ज्यादा और उस क्लोरिनेशन की वजह से वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी बहुत डैमेज uh, हुआ वहाँ के जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स थे वो भी खराब हुए बहुत सारे कोलेप्स हो गए गिर गए अब बात आती है टेक्नोलॉजी की गंगाजल प्रोजेक्ट में जायका असिस्टेड प्रोजेक्ट वहाँ पर हुआ तो वहाँ हमने टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की एम टेक्नोलॉजी हमने वहाँ पर एक डिटर्न प्लांट बनाया एम टेक्नोलॉजी पर और वो ट्रीटमेंट प्लांट उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो ब्लैकिस वाटर है आप उसको देख के आप कह ही नहीं सकते कि इस पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है और वो उसकी पानी की जो क्वालिटी है आप बिस्लरी के पानी को देखिए कंपेयर करिए हम जब वहां पे थे तो जब भी कोई हायर साइड विजिट होता था हायर ऑफिसर्स का कोई बाहर के विदेश से लोग भी आते थे इसराइल से भी आते थे आए और इस, मैं आपको बता दूं कि इसराइल के प्रेसिडेंट उस सीवेज उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को पी के गए उन्होंने देखा कि मैं पी के देख, पी के के देख देखते हैं right. तो ये जरिगम ने हम, हमने करके दिखाया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता हां बेहतर किया जा सकता है निश्चित रूप से बेहतर किया जा सकता है पर टेक्नो इकोनॉमिकल भी हो एमबीवीआर प्लांट के एक बार के फिल्टर चेंज करने में सात करोड़ रुपए का खर्चा आता है सात करोड़ रुपए तो इट शुड बी मिनिमाइज्ड Right, thank you. Right. thank you. Very interesting point uh, you have uh, raised, uh, Mr. Mahesh. Especially, it's not about only about using technology, but making that technology economical. You also gave an example of Israel that how the president has uh, really liked the fresh water from, and this Israel used to be a water scarce country, and through technology only they ensure that they import water to other countries. That was a success story once Israel. Uh, I'll I'll come to Mr. Amit Tyagi from the Phoenix Contact India Limited. Uh, Mr. Amit, you have just heard about uh, MySG talking a very important point, uh, point. and why I am asking you this because we are representing an industry. That uh, how can we ensure that technology, what we are using, or the industry which is providing to government, uh, can be more affordable, economical, uh, which can then it becomes win-win situation for both government and the industry. Your thoughts on that? Yeah. Thank you. Uh, first of all, sustainability topic is. The topic which is everyone is accepted, be it in the utility segment like water, energy, or the mobility, and come to the bring the technology at a level where everyone can afford it. For that, we need to bring it to a uniformity level. So, I take example of a UP Nigam also only where the there is a projects running in the different districts and each and every district have a different kind of architecture requirement on the specifications if you bring all those things at the same level so technology become economically affordable to all of them so this is the one aspect second aspect is the sustainability sustainability can be achieved also in the field of electrification networking and automation at phoenix we offer a solution and a product in the field all fields, which goes to the water everywhere. Water to the every person is very very critical and very important. And in India, the affordability of the water and availability is a key aspect which need to be addressed. We talk about the availability. We talk about the mapping. We talk about the monitoring of the water. That's all are the important aspect. Which is still the missing topic is the whether this. Uh, availability of the water is the enough secure enough to get the right kind of uh, 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 water whether it's a drinkable or not so we need to address the cyber threat also so in case of energy segment uh, power finance corporation is already mandate give the mandate of using a cyber uh, secured products whereas in the water industry that's still the that this issue need to be addressed so this is my thought on it and technology can be affordable and available for all if we bring it to the uniformity by all absolutely very important point raised by mr amit uh, 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 in today's age, if we forget, we, if we think that we can get rid of uh, cyber security without discussing it, uh, I think we are all staying in fools' paradise. Uh, be it water, with health, with education, with uh, governance, we have to think about cyber security. Uh, and we know the amount of threats. Every day is happening. Every minute is happening. Uh, I think that's an important part. I think I have to play a devil's advocate role. I know there are a lot of questions must be there and we all want to add something but uh, i think we have to finish it here uh, but we have time for a minute uh, if you want to uh, if you have any question maybe one or two questions we can take from the audience and then we can end this session any questions from audience you can raise your hand and a uh, question can yeah mr thagi has a question uh, can we have a mic given to him please mr jitendra thagi is md of uttarakhand metro rail as well हेलो गुप्ता जी से मेरा क्वेश्चन है रेलवेज में हम रेलवे डिपार्टमेंट में थे और आगरा के पास टुंडला ही जगह थी वहाँ हम पोस्टेड थे हमें ध्यान है आई वॉज दियर अपू नाइन एटीन नाइन उसके बाद तक भी ड्रिंकिंग वाटर जो हम सप्लाई करते थे रेलवे में इवन ऑफिसर्स स्टाफ सबके लिए सेम वाटर था और किसी के पास आर या फिल्टर नहीं था तो हम इस जर्नी में कहाँ गल गलती हुई है कि हमें ये आरोप है और इस पर आना इज इट टेक्नोलॉजी आई मीन I mean, इंडस्ट्री ड्रिवन आई एम सॉरी इंडस्ट्री वाले बैठे हैं बट वॉज इट इंडस्ट्री ड्रिवन कि हमें आर और इस पर आना पड़ा या हम सप्लाई में गवर्नमेंट साइड से कहीं गलती हुई कि टैप वाटर यूज़ करना बंद कर दिया अदरवाइज बचपन से हम मैं रुड़की में रहा हूँ कभी हमने टैप वाटर कहीं भी टैप वाटर लिया खोला पानी पी लिया और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट में गवर्नमेंट साइड से कोई ऐसी मिस्टेक हुई है चाहे बायस होकर हुई हो या अनजाने में हुई हो आप चूंकि इस फील्ड से हैं मैं इस फील्ड से नहीं हूं तो कैन यू गिव सम हाईलाइट कहां गलती हुई है बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आप तो 89 में आए मैं तो बचपन से ही आगरा में रह रहा हूं और 90 तक हम लोग जानते भी नहीं थे यार और नगर पालिका का जो पानी आता था उसी को पीते थे जो और जब उस टाइम हमारे यहां जनरल में मैं उस टाइम आगरा में ही पोस्टेड था लकीली और जो आपने कहा जो है तो जो आगरा की वाटर क्वालिटी को सुधारने के लिए क्योंकि वहां सरफेस वाटर थी यमुना से पानी आता था और उसको सुधारने के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने फर्स्ट टाइम डैम बनवाया मथुरा में जिससे कि आगरा की वाटर सप्लाई इंप्रूव हो जाए और सेकेंड वाटर वर्स जो एट्टी नाइन के आसपास ही बना है जो सेकेंड वाटर वर्स है आगरा का जो है जो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत रिलीवेंट है मैं ये नहीं कहता कि दूसरी इंडस्ट्री ने एग्रेसिव से क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में बताया आप लेकिन यहां पर हम लोग पीछे रह गए मैंने बोला भी था कि हमको मार्केटिंग जो पानी की अपनी क्वालिटी की जब तक हमारी क्वालिटी ऑफ वाटर पर हम विध प्रूफ नहीं कहेंगे कि हमारा पानी इस पानी से अच्छा है तो यहां पर हमारी एडवोकेसी क्योंकि यदि अब जब सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो जो बिजनेस डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो नहीं है हम एज इट इज चलते रहते हैं जो है। आई रिमेंबर इट सर 1989 में जो उस समय के जनरल मैनेजर थे वो मेरे से बार बार कहते थे गुप्ता जी ये पानी मेरा अच्छा है लेकिन लोग शिफ्ट उधर हो रहे हैं मार्केटिंग नहीं कर पाते और यदि एक दो घटनाएं यदि और हो जाए आगरा का जो आपने एग्जाम्पल दिया नाइन्टी के बाद तो म्यूनिसपलिटी का पानी कोई पीता नहीं है नाइन्टी में एक घटना हुई वहां पर और उस पानी की वजह से एक एरिया में कुछ लोग डेथ हो गई लेकिन रीजन दूसरा था जब बाद में जांच में आया लेकिन अल्टीमेटली उसकी वजह से एक र्यूमर फैल गई कि जो वाटर सप्लाई है आगरा की वो खराब है और लोग धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गए अब इसका एक ताजा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जो कंट्री में आप तो सर पुराने हैं मार्केटिंग का इफेक्ट क्या होता है इफ यू रिमेंबर सर अपने चाइल्डहुड में और इवन हम नौकरी में आए तो जो नमक था वो डेले वाला नमक उपयोग करते थे करते थे कि नहीं सारे लोग लेकिन टाटा ने जो विज्ञापन दिया कि आप यदि सामान्य नमक को खाओगे तो यू विल बिकम आपके घेंगा हो जाएगा और यदि मेरा आयोडाइज नमक खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे तो आज देखिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट था नमक इस कंट्री में दिया है तो आई कैन गिवे वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ राजोट म्यूनिस्पल कारेशन वहां पर ये वाटर की क्वान्टिटी कम हो गई है ड्रिंकिंग जो आर ओ वे वाला जो आपका बिस्लरी वाला पानी है राजकोट के आप किसी भी क्रॉसिंग पे चले आएंगे दे आर हाईलाइटिंग मेरे पानी की क्वालिटी का स्टैंडर्ड ये जब आप क्वालिटी का स्टैंडर्ड बताएंगे तो पिएगा पानी टेप से पानी तो हमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है गवर्नमेंट सेटअप को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है जब आप बिल्डअप कर लेंगे कॉन्फिडेंस को आप बताएंगे कि साहब इस पानी की वजह से आपको कैंसर हो सकता है मैं कैंसर नहीं बोलना चाहिए लेकिन आपको ये बीमारियां हो सकती है लेकिन आप इस पानी को क्योंकि पानी जितना एल्कलाइन करेक्टर का होगा उतनी ही आपको बीमारियां कम होंगी और ये सारा का सारा रिवर वाटर जो होता है रिवर वाटर इज ऑलवेज एल्कलाइन वाटर आप आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना से भी आए हैं तेलंगाना दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क उन्होंने जो अर्बन एरिया है रूरल एरिया हैं दे आर सप्लाइंग वाटर फ्रॉम द सरफेस वाटर सरफेस वाटर से और उससे आप देखिए इनके यहां तो स्टडी भी है ड्रास्टिकली कैंसर पेशेंट है तो यह हम लोगों को प्रमोट करने की जरूरत है यदि हम प्रमोट करेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करेंगी क्वालिटी ऑफ वाटर को बताएंगी नेचुरली पीपल विल अगेन विल शिफ्टेड ये फ्री में तो नहीं है दस रुपये लीटर है दस रुपए का है पंद्रह रुपये का एक लीटर है और हम लोग सौ रुपए में महीने भर पानी देते हैं अनलिमिटेड

especially focusing on sustainability, be it water, energy, infrastructure, uh, urban health also. Uh, I hope the discussion which has taken place today will be of utmost importance for all of us to move into the right direction in the future to make world a better place. Thank you so much for all joining us today. I request Gopi Krishna to come on stage and kindly hand over uh, memento to our uh, eminent speakers for this session. A big round of applause for this uh, insightful uh, discussion on making urban water management sustainable through new age innovations. We can start with uh, Mr. A.K. Gupta, Additional Director, Regional Centre for Urban and Environmental Studies, Lucknow. A huge round of applause for him, please. To Mr. Mahesh Gautam, Superintendent Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam. To Mr. Amritanshu Kumar, Segment Head, Water and West Water, Schneider Electric. And to Mr. Amit Tyagi, Vice President, Phoenix Contact India Private Limited. Thank you so much for joining us today. With this, we come to the end of this uh, conference. Do join us for lunch. And take care, goodbye. Thank you. Can you have a group photo of all the speakers together, please?